हेलो भाइयों, मेरा नाम है मैंगदेशवाल। भाई बात आती है किया सेल्टोस की, 2023 के अंदर आपको क्या कुछ मिल जाते हैं। मैं कहता हूँ आपको क्या चीज़ चाहिए, मुंह से खोलो तो सही। भाई 360 कैमरा और भाई वेंटिलेटेड सीट्स, ठीक है, और साथ में चारों डिस्क, ठीक है, विद आपका जीटी लाइन वेरिएंट। और भाई एक से एक बढ़ के फीचर है इस कार के अंदर, क्योंकि आज का जो हम जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं किया सेल्टोस जीटी लाइन वेरिएंट का, मतलब एकदम टॉप एंड वेरिएंट का। बात करेंगे इस कार की तो ये आपको दोनों की दोनों इसके अंदर रिमोट की जो है वो दी गई है, ठीक है, विद आपका कीलेस एंट्री के साथ लॉक अनलॉक। इसके जरिए आप होल्ड करके अपनी गाड़ी की बीप वगैरह बजा सकते हो और होल्ड करके इसका बूट जो है वो आप ओपन कर सकते हो, ठीक है, दोनों की दोनों रिमोट। अगर आप इसके कलर की बात करते हो ना, तो भाई ये है इसका कलर इंटेंस रेड, और इसके अंदर आपको ना बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। इंपीरियल ब्लू भी मिल जाता है, स्पार्किंग सिल्वर मिल जाता है, ग्रेविटी ग्रे भी मिल जाता है, ग्लेशियर व्हाइट भी मिल जाता है, ठीक है, और आप ब्लैक भी मिल जाता है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ब्लैक। सबसे पहले हम चलेंगे इसके फ्रंट लुक की तरफ। तो ये है भाई जीटी लाइन का फ्रंट लुक। सबसे पहले फ्रंट लुक में ग्रिल में जो इसके अट्रैक्ट करती है ना, वो करती है ये रेड कलर की टैग लाइन जीटी लाइन। इस तरीके से आपको ग्रिल मिल जाएगी इसके अंदर देखने को। यहाँ पर आपको फ्रंट के अंदर कैमरा मिल जाएगा, 360 व्यू कैमरा जो है इसके अंदर वेरिएंट के अंदर आता है। फ्रंट ग्रिल ये मिल जाएगी आपको पूरी पियानो ब्लैक फ्रिज के अंदर, और क्रोम बेल्ट मिल जाएगी आपको कनेक्टिंग हेडलाइट के साथ फ्रंट के साथ, ठीक है। साथ में ये आपको दे रखे DRL, जिसे हम कहते हैं डे टाइम रनिंग लाइट। यहाँ पर आपको चार चार LEDs मिल रखी हैं, प्रोजेक्टर का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपको मिली टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं। भाई कितने मस्त लग रहे हैं ना इस तरीके से, ये तीन LED आपको जो है वो देखने को मिल जाती है। आइस क्यूब फॉग लैंप जो है वो आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाएंगे देखने को। फ्रंट पार्किंग सेंसर, साथ में बॉडी कलर फ्रंट का बम्पर विद आपका यहाँ पे मिल जाएगा आपको टोइंग हुक। जीटी लाइन वेरियंट तो यहाँ पे इस तरीके से आपको रेड कलर की टेपिंग कर रखी है, ठीक है, बम्पर के अंदर, ये आपको पूरा सिल्वर फिनिश के अंदर देखने को मिलता है। तो कुछ फ्रंट की लुक इस तरीके से जो है वो आपकी निकल के आती है। साथ में फ्रंट व्हील सीट पे आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं विद आपका दो वाइपर दो वॉशर्स के, इसकी भाई साइड लुक में। तो ये कुछ है इसकी साइड लुक, मस्त लग रही है ना। ऑटोमेटिक वेरिएंट है, मैनुअल होता तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, वैसे ऑटोमेटिक है। तो फेंटर के ऊपर आपको इस तरीके से ऑटो का लोगो लगा रखा है 3D के अंदर क्रोम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। व्हील बेस की बात करोगे ना, 2610 mm का इसके अंदर आपको व्हील बेस जो है वो देखने को आ जाता है। 215/60R 17 inch के डायमंड कट डुअल टोन एलॉय व्हील जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जीटी लाइन वेरिएंट है इसलिए इसके कैलिपर्स भी जो है वो आपके रेड कलर के मिलते हैं। फ्रंट में भी डिस्क मिल जाएगा, रियर के अंदर भी आपको इसके अंदर डिस्क ब्रेक जो है वो देखने को मिल जाते हैं। डुअल टोन ओवारियम्स ऊपर में इस तरीके से, बॉडी कलर नीचे मैट ब्लैक फिनिश यहाँ पे आपको दे रखा है। कैमरा, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे साइड टर्न इंडिकेटर्स इसके अंदर, ठीक है। बाकी साइड बिटिंग जो है वो आपको क्रोम के अंदर मिलती है एंड तक। क्रोम डोर हैंडल्स विद आपका रिक्वेस्ट सेंसर, रूफ रेस मिल जाएंगी जिसमें ऊपर यहाँ पे देखोगे तो सिल्वर फिनिश है, नीचे मैट ब्लैक फिनिश जो है वो आपको देखने को आ जाती है। आ जाते हैं इसके रियर लुक के अंदर। भाई ये देखो रियर लुक, रियर में भी इस तरीके से जैसे फ्रंट ग्रिल में है, तो यहाँ पे बूट पे जीटी लाइन की इस तरीके से आपको 3D के अंदर लोगो मिल जाएगा। ये है टेल लाइट, साइड टर्न इंडिकेटर्स है, तो आपकी स्टॉप लाइट है, रिवर्स पार्किंग लाइट है, और ये जो पीछे पैच दे रखा है ना पूरा, जहाँ पे किया लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा आपको क्रोम के अंदर मिलता है। नीचे लो वेरिएंट्स में जाओगे तो उसमें आपको ये सिल्वर फिनिश के अंदर देख, इसके अंदर आपको डिफॉगर, रियर वाइपर, वॉशर, हाई माउंटेन स्टॉप लैंप, स्पॉइलर, पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर आपको इसके अंदर स्पॉइलर जो है वो देखने को आएगा। ऊपर शार्प एंटीना जो है वो आपको ऑप्शन जो है वो देखने को आ जाते हैं। सेल्टोस की इस तरीके से ब्रांडिंग जो है वो आपको देखने को आएगी। रियर बम्पर जो है वो भी आपको डुअल टोन मिलेगा, एक तो बॉडी कलर यहाँ पे रिफ्लेक्टर दे रखा है, ये मैट ब्लैक फिनिश में। चार चार सेंसर्स रियर के अंदर भी मिलेंगे, मतलब रियर पार्किंग सेंसर भी और फ्रंट पार्किंग सेंसर भी, मतलब सेफ्टी एक नंबर पार्किंग में लगाने के लिए। यहाँ पे इस तरीके से आपको रेड टेपिंग मिल जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे रखा है रिवर्स पार्किंग कैमरा। बूट ओपन करने की बात करोगे ना, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक बटन दे रखा है बूट ओपन करने के लिए। ड्राइवर सीट्स की तरफ ये देखो भाई, फुल ब्लैक इंटीरियर मिलता है, ठीक है, वाइट वगैरह कुछ भी, क्रीमिश व्रीमिश कुछ नहीं, ठीक है, पूरे के पूरे को इंटीरियर जो है वो आपको ब्लैक कलर का मिलता है। हर जगह जो है वो आपको रेड कलर की स्टिचिंग जो है वो दे रखी है। सबसे पहले हम ड्राइवर साइड डोर ट्रिम की बात करेंगे, तो ये चीज़ देख रहे हो, ये पूरा आपको सॉफ्ट टच में दिया गया, कहीं से लग नहीं रहा ना। और ये देखो ये चीज़ हार्ड प्लास्टिक है, और ये देखो ये आपका सॉफ्ट टच दे रखा है, और लग नहीं रहा भाई ऐसे कपड़े का यूज़ किया गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पूरा ही पूरा हार्ड प्लास्टिक हो, लेकिन प्रीमियमनेस है भाई, इसी को चीज़ को कहते हैं क्वालिटी। यहाँ पे आपको देखो थ्रेड कर रखे है रेड कलर की इस तरीके से, ताकि जीटी लाइन को दर्शाती है। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो का ऑप्शन दे रखे हैं, ऑटो डाउन, ऑटो अप। आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल, ओवारियम एडजस्टेबल, फोल्ड और अनफोल्ड यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बॉस के जो है इसके अंदर आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, और हर जगह देखो ब्रांडिंग कर रखी है 3D लोगों में, और वहाँ भी देखो इस तरीके से वहाँ भी आपकी ब्रांडिंग कर रखी है सेकंड डोर पे भी। चीज़ सेम आपके रियर डोर्स में भी कर रखे है, रियर में भी दिखाऊंगा। यहाँ बोतल होल्डर, कुछ स्पेसिंग, ट्विटर विद आपका ट्विटर ग्रिल, ये पार्ट पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से। बाकी
सिक्स वे एडजस्टेबली ऑटोमेटिकली ड्राइविंग सीट आपको देखने को मिलेगी। जीटी लाइन की इस तरीके से ब्रांडिंग जो है वो दोनों सीट्स में मिलेंगी। हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाएंगे और रेड कलर की हर जगह स्टिचिंग वो है आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ तक कि गियर नॉक पे भी मिल जाएगी। वेलकम प्लेट्स मिल जाएंगी सेल्टोस की इस तरीके से। यहाँ पे इल्यूमिनेशन लाइट जो है वो आपको कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिल जाएगा। हेडलैम्प कंट्रोल मिल जाएगा, HUD मतलब हेड अप डिस्प्ले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा भाई, ठीक है। इसलिए तो कह रहा था हर एक चीज़, ट्रैक्शन ऑफ करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप का आपको जो है वो बटन दे रखा है इसके अंदर। लो भाई फीचर्स, लो कितने फीचर्स चाहिए आपको, ठीक है। पैडल शिफ्टर जो है वो आपको दिख रहे होंगे, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। राइट हैंड साइड पर क्रूज कंट्रोल है, इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल दे रखे हैं जिसमें आपको कॉल रिसीव डिक्लाइन, वॉल्यूम अप डाउन मोड चेंज करने का ऑप्शन है। साथ ही में यहाँ पे आपको दे रखा है वॉइस कमांडर। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करोगे तो ये देखो टिल्ट और साथ में टेलीस्कोपिक इस तरीके से आपको स्टीयरिंग मिल जाएगा इसका। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करोगे तो स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल इंडिकेशन और आपका भाई टेम्परेचर मीटर, ये सब का सब आपको मिलेगा एनालॉग के अंदर। बीच में MID दे रखी है अच्छे खासे फंक्शंस के साथ। लेफ्ट हैंड साइड आपके वाइपर्स कंट्रोल दे रखे हैं, राइट हैंड साइड आपके टर्न इंडिकेटर विद लाइट के कंट्रोल दे रखे हैं। ये पार्ट पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में है। एयरबैग की इस तरीके से ब्रांडिंग फ्रंट में मिल जाएगी आपको देखने के लिए। 10 इंच की फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएगी जिसमें आपका एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको हजार लाइट ऑन करने का ऑप्शन दे रखा है, साथ में फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। फ्रंट की आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। ये आपका दे रखा है भाई आपका ऑटोमेटिक गियर नॉक, ये देखो यहाँ पे भी रेड कलर की थ्रेडिंग जो है वो कर रखी है। ड्राइविंग और ट्रैक्शन तीनों ही आपको, दो कंट्रोल इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। ड्राइविंग में आपको इसके अंदर स्नो मड वगैरह के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ट्रैक्शन में आपको भाई वो मिल जाएगा जैसे कि आपका इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और नॉर्मल मोड, तीन इसके अंदर मोड आ जाते हैं। यहाँ पे आपको 12 वाट का सॉकेट मिल जाएगा, USB पोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको एक USB पोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का आपको ऑप्शन आ जाएगा, दो कप होल्डर, हैंड ब्रेक, ठीक है। आर्मरेस्ट नॉन एडजस्टेबल है क्योंकि एयर प्योरीफायर भी इसके अंदर फिट हो रखा है। साथ में यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स के अंदर स्पेसिंग मिल जाएगी, ये पूरा सॉफ्ट टच में दे रखा है। यहाँ पे आपको ओनर्स मैनुअल ग्लव बॉक्स के अंदर स्पेसिंग इस तरीके से देखने में आएगी। IRVM ऑटो के साथ आएगा और ऊपर दे रखा है आपका सनग्लास होल्डर, ठीक है। LED लाइट्स मिलेंगी, सनरूफ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर विद आपका एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल्स। यहाँ पे आपको दे रखी है भाई आपकी वैनिटी मिरर, सेकेंडरी पे आपको मिल जाएगा टिकट होल्डर। तो रियर डोर ओपन करते हैं, गेम यहाँ पे आपको जो है पियानो ब्लैक फिनिश में दे रखा है। डोर लॉक अनलॉक ओपनर का ये आप सिल्वर फिनिश में है। पावर विंडो डाउन और अप करने का शिफ्टर है, ग्रैब हैंडल है, सॉफ्ट टच है दोनों ही ऊपर अप और डाउन में। बॉस का इस तरीके से 3D में लोगो है। स्पीकर विद आपका स्पीकर ग्रिल, बोतल होल्डर सेट, उसकी वेलकम प्लेट जो है वो आपको देखने को आ जाएंगी। साथ में यहाँ पे आपको दे रखे आपके सनशेड इस तरीके से, ठीक है। कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। 60-40 स्प्लिट आपको जो है सीट्स मिल जाएंगी, तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाएंगे। और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये आपका 40% सीट जो है फोल्ड हो जाती है। अच्छा बूट स्पेस तो बताया नहीं यार मैंने, चलो ये बताया था, 433 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगी आपकी पार्सल ट्रे, यहाँ पे बीच में आपको दे रखा है आर्मरेस्ट, दो कप होल्डर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और रियर के अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको AC वेंट दे रखे हैं, स्मार्ट एयर प्योरीफायर आ जाएगा, USB पोर्ट आ जाएगा, फोन के लिए होल्डर आ जाएगा। और रियर से फ्रंट डैशबोर्ड का लुक कुछ इस टाइप से आपका देखने में आ जाएगा। कैबिन लाइट मिल जाएगी LED के अंदर, एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल्स विद आपका यहाँ पे दे रखा है इसका इंजन CRDI 16 वॉल्व का, ठीक है। रिप्लेसमेंट की बात करोगे ना 1493 cc का इंजन है, पेट्रोल और डीजल दोनों में अवेलेबल है। आपका मन है वो आप किस में इसको परचेज करते हो। पेट्रोल लोगे तो भाई पावर कम मिलेगी, डीजल में ऑब्वियस सी बात है पावर ज़्यादा मिलेगी, माइलेज भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। 113 Nm का टॉर्क देती, 113 bhp का पावर निकालता है ये और 250 Nm का टॉर्क, तो अच्छी खासी पावर जो आपको देखने को मिल जाती है। 50 लीटर्स की इसके अंदर फ्यूल कैपेसिटी जो है वो दी गई है। ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे इसका प्राइस होंगे, ठीक है। तो प्राइसिंग की और बात कर लेते हैं, 18,85,000 रुपये इसका आपको एक्सशोरूम प्राइस पड़ता है, किया सेल्टोस GT लाइन का, ठीक है। ऑटोमेटिक के अंदर 18,85,000 रुपये। ऑन रोड प्राइस की बात करोगे तो भाई इसका कम से कम 1.5 लाख रुपये का तो RTO कटता है इस गाड़ी का, ठीक है। इंश्योरेंस कम से कम 70,000 रुपये का इसका इंश्योरेंस होता है। ऑन रोड प्राइस बता देता हूँ सिंपल वे में, 21,30,000 रुपये आपको इसका ऑन रोड प्राइस जो है वो पड़ता है, ठीक है। बाकी मैं वीडियो बना रहा हूँ फरीदाबाद के अंदर, तो यहाँ पे 21,30,000 रुपये का पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। बाकी हर जगह का स्टेट का RTO वगैरह इंश्योरेंस वगैरह हर जगह का अलग अलग है, वेरी करता है, ठीक है। बाकी आई होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाया तो कर देना सब्सक्राइब, ऑनलाइन लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।